बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर कौन सा है, 22। चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, खाली मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, यानी मेंडल्स की जेनेटिक्स। मेंडल एक साइंटिस्ट था और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स पे बात करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मसलन एक चीज़ होती है होमोजाइगस, सही, एंड हेट्रोजाइगस, और इसी तरह हम एक चीज़ पढ़ेंगे डोमिनेंट, रिसेसिव, सही, डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस, सही। और उसके बाद चलें वो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में बात करेंगे हम। होमो का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय होमो, कोई आइडिया हो आपको? होमो का मतलब सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, सही, यानी होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ, कंट्रास्टिंग जिसे आप कहते हो, तो मुख्तलिफ। अच्छा, डोमिनेंट किसे कहते हैं? काबिज को, ठीक है, कोई किसी चीज़ के ऊपर जिसने ओवरकम किया हो, जो किसी पे काबिज हुआ हो। रिसेसिव किसे कहेंगे? मकबूज को, ठीक है, जिसके ऊपर कब्जा हो चुका हो, सही है। एनीथिंग विच हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, ठीक है, किसी और से, यानी जिस तरह आप कह रहे हैं कि मकबूज़ा कश्मीर है, सही, कि कश्मीर के ऊपर भारत का कब्ज़ा है, तो वो एक रिसेसिव है, सही, और इस तरह जो भारत है वो उसके लिए डोमिनेंट है, सही। और दूसरा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। जाइगस कहते हैं आप कह लें कि न्यूक्लियस के लिए वैसे कहा जाता है, यानी इनके सेम न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं लेंगे बल्कि हम सेम अलील की बात करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट अलील की बात करें हम, सही। अलील हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अलील किसे कहते हैं? इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द जीन्स, यानी अगर हम डायग्राम के मसल देखें तो मसलन ये 1 2 3 4 चार क्रोमोसोम्स हैं, सही। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ वन में अगर आप देखेंगे, दोनों में कैपिटल बी, सॉरी, फर्स्ट वन में कैपिटल बी है, सही है, और फोर्थ वन में दोनों स्मॉल बी हैं। सो ये दोनों क्या है? होमोजाइगस है, सही। और जबकि टू एंड थ्री के अंदर अगर आप देखें, कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, ये क्या कहलाएंगे एक दूसरे के लिए? हेट्रोजाइगस, सिंपल, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स के अलील्स हैं, अगर वो एक जैसे होंगे तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, अगर वो डिफरेंट होंगे, लाइक बी, कैपिटल बी स्मॉल भी है, तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे, सही। इसी तरह डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो सॉरी, मसलन एक ब्लैक आपके सामने नज़र आ रहा है माउस, दो, सॉरी, इसे आप इग्नोर कर दो फिलहाल, सही, इसे इग्नोर कर दो। एक ब्लैक माउस है और एक जो सा है ये वाइट माउस है, ठीक है। अच्छा, दोनों होमोजाइगस हैं, ये भी अगर आप देखें, ये भी देखें, दोनों क्या हैं? होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, सही। सो इनके क्या करते हैं हम? क्रॉस करवाते हैं, या इसकी ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग से क्या मतलब? कि आप अफजाइश नस्ल करवाते हो इनकी, ठीक है, कि इन्हें आप आपस में क्रॉस करवाते हो, सही। तो इसमें क्या होगा? ब्लैक और वाइट, ये, अच्छा, ये जो ब्रीडिंग है ना, इसके ऊपर मेंडल्स के लॉज अप्लाई होते हैं, मेंडल्स के लॉज अप्लाई होंगे, वो लॉज हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये आपस में क्रॉस आउट होते हैं, ठीक है, तो इनके जो जीन्स हैं वो इस तरह, यानी बी, लाइक अगर मैं इधर बनाऊँ, कैपिटल बी है, डबल वाई डबल वाई, सो इनके पहले क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल बी कैपिटल वाई, सही, और फिर कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा, सॉरी, वाई कह गया, डब्ल्यू है, और इसी तरह कैपिटल बी, फिर
सर इसे अंडू कर दें, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, ये और ये आके सही। तो इस तरह यानी चारों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होने के बाद जो हमारे पास पॉसिबल जनरेशन आएगी वो कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू की आएगी। सही। अब इसके अंदर ब्लैक का जीन भी है और वाइट का जीन भी है। सही। अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, यानी ये होमोजाइगस कंडीशन थी, ये सब क्या आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें हेट्रोजाइगस क्या बनाता है कि वाइट भी है ब्लैक भी है, लेकिन जो कलर है वो हमें अपियर क्या हो रहा है, ब्लैक। तो क्या मतलब है कि ब्लैक ने डोमिनेट कर दिया, ब्लैक डोमिनेटेड वाइट। ठीक है, यानी बी ने डब्ल्यू के ऊपर डोमिनेशन किया, इस तरह ये डोमिनेंट एलील्स कहलाते हैं। सही। सो इस तरह हेट्रोजाइगस के अंदर जो अलील अपीयर होता है फिजिकली, ठीक है, मसलन इसके अंदर हम देखें तो ब्लैक एंड वाइट के दो जीन्स हैं, तो इसमें अपीयर जो सा हो रहा है वो ब्लैक हो रहा है। तो जो फिनोटिपिकली कह लें या फिजिकली जो अपीयर होगा बॉडी के अंदर उसे हम डोमिनेंट जीन्स कहेंगे, और जो अपीयर नहीं होगा लेकिन उसका जीन मौजूद होगा बॉडी के अंदर उसे हम रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव जीन कहेंगे। सही। सो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव का आइडिया हो गया आपको। अब हम चलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर। सो मेंडल मेंडल्स जेनेटिक्स, ठीक है। अब जो बायोलॉजी है ना, ठीक है, या जो जेनेटिक्स हैं बेसिकली, अगर मैं सिर्फ जेनेटिक्स को लेके चलूँ, जेनेटिक्स के दो पार्ट हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। ठीक है, जेनेटिक्स कहते किसे हैं भला, स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है, कि जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हो आप, जीनोम की जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें एक ओल्ड वर्जन है एक न्यू वर्जन है। तो जो ओल्ड वर्जन है इसके जो फाउंडर हैं वो मेंडल है, ठीक है, वो मेंडल की जेनेटिक्स यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स। सही। और जो न्यू वर्जन है वो आपका आता है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट के ऊपर है। सही, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। वाटसन एंड क्रिक बेसिकली दे डिस्कवर्ड डीएनए, ठीक है, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड डीएनए। तो जो मेंडल था यानी ये यानी बहुत पुरानी बात है, ठीक है, यानी 1822 के अंदर, यानी 1800 जो मेंडल था ना बेसिकली, ये 1822 से लेकर 1884 तक इसकी लाइफ पीरियड है, तो इस दौरान उसका काम हुआ था। तो मेंडेलियन ने जब जेनेटिक स्टडी की उस टाइम डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये सब हाइपोथेटिकल था, हाइपोथेटिकल था, यानी सिंपल जहन में रख के ये सब काम किया गया था, मेंडल ने जो काम किया था। सही। लेकिन जो मौजूदा दौर है उसके अंदर आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डीएनए से जीन्स की स्टडी कर सकते हो, इवन आपके सामने डीएनए आ सकता है, आप माइक्रोस्कोप पे उसे देख सकते हो। उस टाइम तो डीएनए का नामो निशान डिस्कवरी भी नहीं हुई थी उस टाइम तो। सही। तो जो उसने मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ना वो तकरीबन 1854 से लेकर 1865 तक, 1865 तक, ठीक है, जब जंग आज़ादी लड़ी थी हिंदुस्तान ने, खैर उस दौर की ये बात है जब मेंडल स्टडी कर रहा था। सही। तो ये एक जीनियस है कह सकते हैं, क्योंकि इसने जेनेटिक्स पे बहुत काम किया, इसका ऐसा काम है कि आज भी अप्लाई होता है, ठीक है, यानी इट इज़ द फाउंडर ऑफ द जेनेटिक्स। सही। और मेंडल्स के लॉज हैं, थ्योरीज हैं जो कि बायो में हम पढ़ते हैं। सो ये थोड़ा बहुत उसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है मेंडल की, और ये 1822 तो 1884 है, वैसे ऑस्ट्रियन मोंक था ये, ठीक है। मोंक किसे कहते हैं, कि गिरजाघर में जो पारसी होता है, पारसी था, ठीक है, जिसके गिरजाघर के गिर्द, जन से फॉर्मूले उसके ना गिरजाघर में ना एक बाग था, बाग के अंदर उसने पी प्लांट किसे कहते हैं बोला, जो मटर का पौधा होता है, ठीक है, मटर के पौधे पे उसने काम किया था। सही। और 1800 यानी वो 65 के दौरान, 1855 से 65 के दौरान इसकी थ्योरीज आई थी। और वियाना स्टडी से पढ़ा था, और इसने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाई थी, इसकी दो थ्योरीज हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
सही है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सही, ये दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं बायोलॉजी के अंदर। सही, वैसे बायोलॉजी के अंदर लॉज नहीं होते, ठीक है, बायोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होती हैं इसकी। सो फ्यू लॉज, ठीक है, फ्यू में भी आप कह लें कि सिर्फ तीन लॉज हैं जो यूज़ करते हैं। सी ए फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर सिर्फ तीन लॉज, दो लॉज तो ये हैं जो हम स्टडी करेंगे, एक हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो ये तीन लॉज हैं बायोलॉजी के अंदर, इसके अलावा कोई लॉज नहीं है। थ्योरीज हैं, थ्योरीज रिजेक्ट होती रहती हैं, एक्सेप्ट होती रहती हैं, सो लॉज की अलबत्त कमी है। और जो दो लॉ हैं वो भी 1800 सदी में बने हैं, वो अभी तक फॉलो अप हो रहे हैं, वो मेंडल ने बनाए थे। सही, अब हम थोड़ा बहुत पी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी पी प्लांट, कमिंग टू द पी प्लांट, जिसे आप मटर का पौधा करते हैं। सो इधर एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि मेंडल वाज लकी। सही, कि मेंडल उस टाइम खुशनसीब था, ही सिलेक्टेड पी प्लांट। सही, कि उसके पास जो उसकी जनरेशन थी या जो पौधे थे वो पी प्लांट के पौधे थे, ही वॉज लकी, क्योंकि अगर वो दूसरे किसी प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट करता तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि वहाँ पे जीन्स इंटरफेयर करते हैं, इसके जो जीन्स थे पी प्लांट के, ये आपस में इंटरफेरेंस नहीं करते, इस वजह से ये लकी था। इसके अलावा जो इसका जनरेशन टाइम है, सही, कुछ इसके क्या हैं कि जी सेवन क्यों लकी था, मतलब इसके अंदर जो हम इसकी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल क्यों लकी था, कि इसकी खसूसियात थी, वन क्या के सेवन कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़, के इसकी खास किस्म की ना, सात किस्म की प्रॉपर्टीज़ थी जो कंट्रास्ट करती थी, मुख्तलिफ थी। सही, और फिज़िकली नज़र आ जाते थे, फिज़िकली अपीयर, यानी इसके लिए कोई आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता था, माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ करनी पड़ती, सिंपल आप देख के बता सकते थे कि ये इसकी खसूसियात है। वो हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम देख के बता सकते, सेवन कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी फिज़िकल। दूसरा, एक और वजह से ये लकी था कि इसकी जनरेशन टाइम है, जनरेशन टाइम जो सा है वो 3 मंथ का है। सही, कि नहीं, एक साल के अंदर वो चार फसलें उगा सकता था, सो ये भी आसान था, यानी ये कोई सालाना या 6 महीने वाली फसल नहीं थी, 3 महीने के बाद नया जनरेशन स्टार्ट हो जाते थे, सो जनरेशन टाइम बहुत कम था। सही, तो एक और वजह जो इसकी लकी होने की थी, क्या थी, कि जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज थी या ट्रेड्स थे, ट्रेड्स डोंट इंटरफेयर विच ईदर, ठीक है, इंटरफेयर विद ईच अदर, ठीक है, कि जो ट्रेड्स थे वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते थे। मतलब अगर कोई लंबा है तो उस लंबे होने की वजह से उसके बीज पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है, अगर किसी का बीज गोल है तो उसके गोल होने की वजह से उसके पत्तों के रंग पे या फूल के रंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो इंटरफेयर नहीं करते। सो ये तीन बेसिक वजूहत थी जिसकी वजह से जो मेंडल था वो लकी था, यानी खुशनसीब था, ठीक है, और इसी वजह से उसने उस दौर के अंदर ऐसा अजीम कह लें कि इतना बड़ा काम किया है जिसे आज भी हम स्टडी करते हैं। सो अब हम देखते हैं ये सेवन कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी पी प्लांट के अंदर। तो उसमें सबसे पहले सीड शेप है, एक राउंड था, एक रिंकल था, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल राउंड को कैपिटल आर कहेंगे, रिंकल को स्मॉल आर कहेंगे। सही, और एक कलर में देखेंगे तो एक येलो था और एक ग्रीन था, अगर हम कलर में देखेंगे एक पर्पल था और एक वाइट था। सही, सो ये मैं अब एक दूसरे के अलील्स हैं, ये बेसिकली अलील्स हैं, उनके फिनोटाइप्स इस तरह के अपीयर होते हैं, और इसी तरह अगर हम शेप में देखेंगे, एक इन्फ्लेटेड थे, एक कंस्ट्रिक्टेड थे, मसलन इन्फ्लेटेड को हम कैपिटल आई कह देते हैं, कंस्ट्रिक्टेड को हम स्मॉल आई कह देते हैं। सही, और एक इसी तरह आप इसका जो पोड कलर, पोड का मतलब जिसमें मटर के दाने होते हैं, ठीक है, पोड शेप, पोड कलर है, तो एक येलो था, अगेन इसमें भी आप येलो डैश लगा लें, इसको डैश डैश से बना देनी, वो ऊपर वाले जो सीड का कलर है ना उससे डिफरेंशिएट करना है इसको। सही, अच्छा, इसके अलावा जो इसके अंदर फ्लावरिंग थी, फ्लावरिंग एक एक्सियल थी और एक टर्मिनल थी। सही, एक्सियल से आप ए ले लें, टर्मिनल से आप स्मॉल ए ले लें। सही, और
एक टॉल था और एक ड्वार्फ स्मॉल था, यानी एक कैपिटल टी ले लेंगे हम, एक स्मॉल टी ले लेंगे। सही, तो इस तरह ये इसके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हुई, सेवन प्रॉपर्टीज जिसको इसने स्टडी किया। और थोड़ा सा इसे हम जूम आउट कर लेते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेवन प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया और उसकी वजह से ये लकी था। लकी की वजूहत पढ़ ली हमने कि एक तो इससे सेवन प्रॉपर्टीज आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई डीएनए की स्टडी नहीं करनी पड़ती, कोई लैब की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल फसल देखेंगे आप बता देंगे हाँ जी ये लंबा है ये छोटा है, या इसके जो यानी बीज का कलर ये है, ये सब चीज़ें आपको आँखों से नज़र आ जाती हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसमें जो ठीक है 3 महीने के अंदर नई फसल आ जाती थी इसकी, तो ये भी इसके लिए बहुत कह लें कि लकी था कि उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। सही, और तीसरी ये चीज़ थी कि जितने भी जीन्स जितने भी उसने करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स उसने स्टडी किए वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते। सही है, यानी यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि जीन लिंकेज वॉज नॉट प्रेजेंट इन दीज अलील्स। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जीन्स से ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे जितने भी अलील्स थे, ठीक है। अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे होते ना तो फिर उसके जो रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट हो जाते, ठीक है, वो कभी भी सेम ना आते। सो ये लिंकेज नहीं थे, नहीं अलील्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे। इन्हीं वजूहत की वजह से उसका ये सारे एक्सपेरिमेंट ठीक रहे और उसने आगे जो लॉज हैं वो ड्राइव किए। तो दो लॉज कौन कौन से हैं, मेंडेलियन लॉ ऑफ, एक था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सही, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने शुरू में होमोजाइगस हेटरोजाइगस स्टडी किया, फिर डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में बात की, फिर उसके हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखी और फिर मेंडल्स लॉज के बारे में बात की। खैर ये एक किस्म का क्रॉस है, ठीक है, ये जो हमने करवाया ये क्या है, इट इज़ अ क्रॉस। सही, और इस क्रॉस को हम बाद में स्टडी करेंगे, ये यही क्रॉस जो ना मेंडल ने यूज़ किया था, ठीक है, इस क्रॉस को हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन उसने चूहों पे इस्तेमाल नहीं किया था, यानी माउस यूज़ नहीं किए थे, बल्कि उसने पी प्लांट, यहाँ पे हम पी प्लांट की एग्जांपल्स लेके चलेंगे। सही, पी प्लांट यूज़ किए थे, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा मेंडल्स जेनेटिक्स का। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके टेस्ट क्रॉस के बारे में यानी इसके जो लॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे।